सारे काम तेरे पुट्ठे ही होते हैं। हे भगवान, माफ कर दो मुझे भाई, गलती हो गई बहुत बड़ी कि मैं नाइफ किचन से यहाँ पर लेके आई। नहीं मतलब सीरियसली मुझे समझ में नहीं आता, एक काम क्यों नहीं करते, फांसी दे दो मुझे, तूली पे चढ़ा दो, हर कोई मुझे पंचिंग बैग समझ कर डांटने लग जाता है इस घर में यार, ये क्या बात हुई यार। नहीं मारो मारो मुझे मारो, हाथ से नहीं मार सकते, जुत्ती से मारो, जुत्ती नहीं है तो थप्पड़ मारो, लेकिन प्लीज मुझे डांटो मत यार, मैं थक गई हूँ डांट सुन सुन के। अरे तो शुरू हो गई, इसका ना तो बचपना ही नहीं खत्म होता। पकड़ा मैडम, काम है, 100 काम पड़े हैं इसके, चाकू इधर लेके आ गई है। बेटर फील करोगे? क्यों, मैं टीवी क्यों देखूं? टीवी क्यों देखूं? माइंड डाइवर्ट करने के लिए। मुझे माइंड डाइवर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे पता है कि आपको अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिसे आप इतनी देर से याद कर रहे हो, आप चाहते हो कि आप आज का पूरा दिन उसी को याद करने में बिता दो? मैं किसी के बारे में नहीं सोच रही कि प्लीज यार, मैं आपके रग रग से वाकिफ हूँ। मुझे पता है आप करण सर को याद कर रहे हो ना। पागल हो गई, कहा ना नहीं सोच रही। हाँ 10 बार, हाँ 100 बार, हाँ 1000 बार, हाँ 1,000,000 बार, हाँ मैं आपके रग रग से वाकिफ होती, मुझे पता है कि आप करण सर को मिस कर रहे हो। आप एक्चुअली देखा जाए तो वो अच्छा है या बुरा है उससे भी हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वाकई करण लूथरा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। माँ आप खुश है ना कि मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता? वाकई अब उसके होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओब इसे दोपहर में कहा था ना मैंने वो कद्दू लाने को, कद्दू तो लेकर आई नहीं, और टमाटर पता है ना तुझे लाल नहीं लेकर आई, कच्चे टमाटर लेकर आई है। मैं जरा बाजार से जाके सब्जियां ले आती हूँ, और भी वो थोड़ा कुछ सामान था ना जो तूने कहा था। दी की उनकी लाइफ में क्या जगह है, दी उनके लिए क्या मायने रखती है, दी उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, आप समझ रहे हो ना? अगर ये सब चीजें रियलाइज हो जाए ना करण सर को, तो फिर देखना करण सर खुद आएंगे मेरे दी को लेने और उन्हें अपने साथ लेके जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि करण सर की ना एक तो इतनी लंबी नाक है, ऊपर से कुतुब मीनार जैसा ईगो खड़ा है उनके नाक पर। आई स्वेयर अगर ये ईगो साइड में रख देना और करण सर अपने दिल की बात सुने ना, तो देख लेना करण सर खुद आएंगे दी को लेने और उनको इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता। हे वाहेगुरु प्लीज कि मेरी विश पूरी कर दे यार। पर क्यों कहां बसाने? मेरा मतलब है कि मैं घर बसाने जा रहा हूं, मायरा से शादी कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे घर आओ और अपनी आंखों से मेरी शादी, मेरा मंडप, मेरे फेरे होते हुए देखो। इसलिए नहीं क्या आ? चलना पड़ेगा, मैं चाहता हूं कि मेरी शादी अपनी आंखों से होते हुए देखो, तो इसलिए तुम मेरी मायरा की शादी तोड़वाना चाहती हो, राइट? रॉक, तुम जो सोच रहे हो बिल्कुल गलत। गलत नहीं है, एक्टिंग है। ये जो तुम करती हो ना अच्छा बनने का दिखावा, ये सब एक्टिंग है, समझी तो? और ये सब मेरे पर काम नहीं करेगा, इसलिए तुम्हें इनवाइट करना है शादी में। सो दिस इज माय इनविटेशन। चलो मेरे साथ। नहीं प्रीता कहीं नहीं जाएगी। करण लूथरा की शादी का इनविटेशन, सब लोग आइएगा जरूर। पूरा दिन उसके आसपास ही रहूंगी, उसके साथ रहूंगी। मैं अपनी बच्ची को
दुखी नहीं होने दूंगी, मैं प्रीता के साथ रहूंगी। यही घुस दूंगा, समझ रहा? पीछे इसमें ज्यादा पैसे नहीं है। हां छोड़ना, घुस तो है ना। पुराना फोन और आगे नहीं आने का। प्रीता तू ठीक है? हां पुत्र, क्या है पुत्र? बोलना बोलना पुत्र। तू अब भी नहीं बोलेगी, तू तब भी नहीं बोलेगी जब हम दरवाजा पीट रहे थे। अरे तेनु की पता, हम पल पल मर रहे थे। चली होगी क्या? तुझे क्या लगता है? दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा सी, लग रहा था कि बस अभी 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 जान निकल जाएगी सड़क। पता है कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि मैं बोल भी नहीं सकती। पता है। चलो कोई बात नहीं, मैंने अपने आंसू पोंछ के, अपने आंसू पोंछो। चल सुष्टि पागल है तन, कोई नहीं रोएगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरी वजह से ये पागल रो रही है। वो करण लूथरा इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसकी वजह से मेरा पूरा परिवार बैठ के रोए। मुझे तो रुलाता ही था आज। अब मुझे ठीक लगता है, मैं बिल्कुल ठीक फील कर रही हूँ। जैसे पहले नॉर्मल थी, एकदम नॉर्मल हूँ। और अब कोई नहीं रोएगा, ठीक है? चलो हटो अभी, माँ आने वाली होंगी। करती हूँ ना, मुझे तो सही कहाँ रह गई, इतनी भी देर नहीं लगती है। The number you are trying to call is out of coverage area. आपका फोन आउट ऑफ रेंज आ रहा है, दोबारा बनाती हूँ। The number you are trying to call is currently switched off. पहले आउट ऑफ रीच आ रहा था, अब स्विच ऑफ आ रहा है। ऐसी कौन सी जगह माँ सब्जी लेने गई है जहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है? फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। करण जहाँ कहीं भी है ना, वो वापस आ जाएगा और आके मुझसे ही शादी करेगा। तुम्हें लगता कि तुम कुछ ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रही हो? मैंने तुमसे कहा कि करण घर पर नहीं है, तो तुम इतनी रिलैक्स हो? उसके ऊपर से ये कह रही हो कि करण तुमसे ही आकर शादी करेगा। तुम्हें लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो मायरा? ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये ना ये मेरे दिल का विश्वास है। मायरा तुम्हारी आंखों में ये जो सपना है ना, तुम्हारी और करण की शादी को लेकर, वो कहीं सपना बनकर ही ना रह जाए तुम्हारे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। शोलिन मैं माहिरा, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक शादी नहीं हो जाती ना, ये सपने को अपनी आंखों में रहने दो। और एक बात और, प्रीता से जरा बच के रहना, बी एक्स्ट्रा कॉशियस। शौक है ना तुझे हीरो बनने का? आज तेरी ये हीरो वाली शक्ल इतनी बदसूरत कर दूंगा कि जिंदगी में तुम मुझे कभी नहीं भूल पाएगा। ए, ए, चाकू अलग करो, उसे लग जाएगा ना। तुम्हें तुम्हें पास चाहिए ना, मैं तुम्हें पास दे दूंगी, लेकिन दूर करो उसे। क्या क्या बात कर रहे हो आंटी, गुंडा उसे रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो? तुम चुप रहो, तुम पीछे मत बोल। गलत कर रहे हो आंटी अभी। मुझे बस समझाओ क्या सही है और क्या गलत। तुमने कौन सा हमेशा सही काम किया जो मुझे समझा रहे हो क्या सही है क्या गलत? मैं उससे बात कर रही हूँ ना, वो गलत आदमी है, लेकिन वो सही बात करे। तुम चाकू हटा दो, ये पर्स ले लो ना, चाकू हटाओ। आज पता चला कि तुझे भी कोई बातें सुनता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हा? अरे पर्स ले लो, तुम चाकू अलग रखो। छोड़ो भाई, सर आपके फैन है, इतना तो हम बनता ही। सर एक सेल्फी। एक मिनट,
हाँ अभी लेना। थैंक यू। जानकी तू ट्राई कर लैंडलाइन से। लो फोन तो इधर ही मिल लगा। क्या हुआ पंची? मैं जाकर देखूं क्या? मैं एक बार फिर ट्राई करती हूँ। हाँ देख वहां का फोन क्यों नहीं लग रहा है। माँ माँ किधर थे आप? आपको फोन क्यों नहीं लग रहा है? आपको पता है हम कितने टेंशन में हैं? यार हमारी जान आधी हो गई यहाँ पर। दिखाई दे वो जहाँ हम करण घर आया था। मैं पूछ रही हूँ घर क्यों आया था वो? वो माँ प्रीता दी को अपनी शादी का इनविटेशन देने आए थे। पागल तो नहीं हो गए? ऐसे कैसे आ गया तुझे बुलाने अपनी और माहिरा की शादी के लिए? बिल्कुल सरला, मैं भी यही सोच रही थी कि करण इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है। शादी का निमंत्रण देना तो एक अलग बात है, लेकिन अपनी शादी में प्रीता को बुलाने आया था और ये सोच रहा है कि प्रीता आके उसकी शादी किसी और से होती भी देख लेगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हो दादा। करण इतना गिर गया है कि अपनी पत्नी को अपनी शादी में बुला रहा है और चाहता है कि उसकी पत्नी अपनी आंखों से अपने पति की शादी दूसरे के साथ होते हुए देखे। बस कर जानकी। प्रीता करण की पत्नी नहीं है। माँ आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती। लड़की एक और ड्रामा करेगी। उस लड़की को तो मौका मिल गया, अब वो तुम्हारी शादी में आएगी और तुम्हारी और मायरा की शादी को रोकने की कोशिश करेगी। बेटा ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। तुमने एक ऐसी लड़की को इनवाइट किया जिससे तुम्हारी शादी पहले हो चुकी है। तुम जानते हो कि वो यहाँ पर आएगी तो तुम्हारी शादी मायरा से वो कभी नहीं होने देगी। यू नो दैट। और पता है तुमने क्या किया है? तुमने मेरी बेटी की जिंदगी खतरे में डाल दी है। मैं किसी की जिंदगी खराब नहीं कर रहा आंटी। मेरा परिवार सबसे इंपॉर्टेंट है और जो भी मेरे परिवार को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगा। दिखाना चाहता हूं कि करण लूथरा जैसा दिखता है ना, वैसा है नहीं। और जैसा है वैसा दिखता नहीं। For me, my family comes first. और हाँ, अगर उसे ये लगता है कि करण लूथरा की लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की है वो पीता अरोड़ा, तो ये उसकी गलतफहमी है। तुमने अपनी शादी में उसे इनवाइट कर दिया? क्यों? अब तू कहेगा गुस्से में कराया, लेकिन इसी गुस्से में तुम्हारा प्यार है और तुम्हें जरूरी नहीं लगा कि हम सबसे पूछ लो तो
क्या हम चाहते हैं उस लड़की को कि वो घर में आए? क्या हम कंफर्टेबल हैं? नहीं पूछना, ये पूछने की जरूरत नहीं समझी तुमने? दादी आप ही कहती थी ना कि दुश्मन को नजर के सामने रखना चाहिए, इसलिए आज मैंने प्रीता अरोड़ा को यहां बुलाया ताकि वो हम सबकी नजर के सामने रहे। हो रहा है, तुझे तो खुश होना चाहिए ना कि करण की शादी हो रही है। वो घमंडी कर लूटा, तेरा पीछा छूटा उससे। सच में दी? आपको ऐसा लगता है? क्या नहीं मतलब, आप दौड़े दौड़े जाते थे लूथरा हाउस उनकी हेल्प करने के लिए। दी मैं समझ सकती हूँ कि आप क्यों जाते थे। आपको यही लग रहा है ना कि करण सर आपके पति हैं, लूथरा खानदान आपका ससुराल है, आप उस घर की बहू हैं और करण सर की वाइफ होने के नाते आपका ये फर्ज बनता है कि आप करण सर को मायरा के चंगुल से बचाओ। लेकिन हमें ये सब क्यों सोचना है? अब तो मैं वही सोचूंगी जो आप और मामा सोचते हो। अरे हमें ये लूथरास के पछड़ों में पड़ना ही नहीं है। रहे वो ऐसी, वो इसी लायक है कि उनको शर्लिन और मायरा जैसी बहुएं मिले। मतलब ये लूथरास को नहीं पता है, लेकिन एटलीस्ट हमें तो पता है ना कि वो दोनों चुड़ैल औरतें कैसी हैं। दी उन्होंने महेश अंकल की जान लेने की कोशिश की है। उस घर में सबसे समझदार इंसान ऋषभ जी है। अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला तो उसमें भी उन्होंने हमारा साथ ही दिया। जब सब लोग हमें कुछ ना कुछ सुना रहे थे तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो चुप रहे। उनके बारे में गलत मत बोले। ओके, नहीं कहती उनके बारे में कुछ गलत। What about Sammy and Kritika? वो दोनों तो बुत बन के खड़े रहते हैं। वो दोनों क्यों कुछ नहीं कहते हैं यार? समीर और कृतिका, वो दोनों तो छोटे हैं। इतने बड़े-बड़े लोगों के सामने अगर वो अपना मुंह खोलेंगे भी, तो उनकी बात सुनेगा कौन? उनको कुछ मत कह। सही कहा आपने। वो लोग छोटे हैं, उनकी बात कोई नहीं सुनता। उतना ही प्यार करते हो जितना पहले करते थे। ये जो अभी ये कमरे की हालत थी ना, अभी इस वक्त आपकी दिल की हालत ऐसी है। आप नाराज हैं दी, और आपने अपनी नाराजगी अंदर छुपा रखी है। आप दिल से नहीं दिमाग से सोच रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आप मेंटली यहाँ पर हो ही नहीं, आप सिर्फ फिजिकली हो। लेकिन आज भी आपका दिल उन लूथराओं के लिए धड़कता है। आज भी अगर किसी को एक चोट आई ना वहाँ पे, आप दौड़े दौड़े जाओगे वहाँ पर। आपको फर्क पड़ता है दी, बस आप कहते हो कि आपको फर्क नहीं पड़ता। मैं कोई कहती नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं शादी में जाना चाहती हूं। इनवाइट किया ना हमें, तो जाना चाहिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैंने दी को मना तो लिया है लूथरा हाउस जाने के लिए, लेकिन कोई गड़बड़ हो गई तो, अगर फिर से कोई गड़बड़ हुई तो मेरे दी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं क्या करूं? मैं समीर को फोन करती हूं। महाराज से शादी करने का फैसला। सृष्टि, करण भाई महाराज से शादी इसलिए नहीं करे क्योंकि करीना बुआ ने कहा है। वो ये शादी इसलिए कर रहे हैं ताकि वो पिता को नीचा दिखा सके, पिता से बदला ले सके। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं समझ रही हूँ सैमी, लेकिन तुम भी मेरी एक बात समझो। तुम्हारे भाई ने मेरी दी पर इल्जाम लगाया है कि वो उनकी शादी रोकने की कोशिश कर रही है, तो मेरी दी तुम्हारे भाई की शादी में आके उनको ये दिखाना चाहती है कि वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। अब तुम समझे? सृष्टि तुम बात को समझती क्यों नहीं यार, और बोलने से पहले सोचती क्यों नहीं हो यार? सैमी तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मैं क्या सोच रही हूँ। वहां पर तुम लोग कुछ और सोच रहे हो और यहाँ पे मैं कुछ और ही प्लान कर रही हूँ। सृष्टि क्या बोल रहे हो यार तुम? कि मुझे पहले से ही पता था, लेकिन माहिरा भी कम शैतान नहीं है, मुझे पता चल चुका है। सैमी प्लीज, कुछ भी करके तुम्हें मेरा साथ देना होगा। इस शादी को रोकने के लिए मुझे जो भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तुम प्रॉमिस करो कि तुम मेरा साथ दोगे। दोगे ना? आई प्रॉमिस यू सृष्टि, मैं तुम्हारा साथ दूंगा।
हम ये शादी रोकेंगे। थैंक यू सैमी, आई टॉक टू यू लेटर। बाय, टेक केयर। बाय। क्या कर रहा था? नहीं ऋषभ भैया, कुछ नहीं, ऐसे ही बस। छुपा रहा है? अच्छा, अब तो इतना बड़ा हो गया कि अपने भाई से छुपाएगा। ठीक है, एंजॉय। नहीं नहीं ऋषभ भैया, वो क्या था फिर? बात यह कि सृष्टि का फोन आया था, कह रही थी जो करण भाई ने उन्हें शादी का इनविटेशन दिया ना, उन लोगों ने वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। अब प्रीता और सृष्टि यहाँ शादी में आ रहे हैं यार। बात, अब मेरा भी यही रिएक्शन था। मैंने उसको बोला कि यहाँ मत आए, प्रीता को मत लेके आओ, लेकिन मेरी बात ही नहीं सुन रही। मैंने ये भी बोला कि करण भाई ने सिर्फ गुस्से में इन्वाइट किया, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुनती, ना समझती, मैं क्या करूँ? उनको बोल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी उनके लिए भी, हमारे लिए भी। समीर, तुझे मालूम है ना क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? भैया मैंने बोला, ये मैंने समझाया, वो समझती का है मेरी बात को, सुनती नहीं है सृष्टि मेरी बात। भैया मैं क्या करूँ? ये तो एक तरफा रिश्ता, वो तो नहीं मानता ना तुझे अपनी बीवी, अपनी पत्नी, लेकिन तू तो उसकी नाक का मंगलसूत्र पहनती, मांग में सिंदूर भरती। उस परिवार ने तुझे कभी भी इज्जत नहीं दी, उस रिश्ते को कभी नहीं माना, फिर क्यों जाना चाहती है तू उसी घर जिस घर के लोग तुझे हमेशा रुलाते, हमेशा तेरी बेइज्जती करते हैं, हर बार तुझे धक्के मारकर घर से बाहर फेंक देते हैं, फिर भी तू जाना चाहती है? क्यों? जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं उस परिवार के दिल से ये गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ कि वो मुझे, उनका जब मन करेगा तब रुलाएंगे, कुछ भी बोलेंगे तो मुझे फर्क। अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, ना तुम्हारा साथ दूंगी, ना किसी परेशानी में तुम्हारे साथ खड़ूंगी। जो करना है करो, अब तुम दोनों बड़े हो गए, अपने फैसले ले सकते हैं, इसलिए मेरे फैसले मानने की ना कोई जरूरत है, ना बुरा मानना कि तुमने मांगा। जाना है समझा? क्या सपना? क्या मतलब? रीता जी का कल रात को सपना देखा? मैंने अभी अभी तो उससे कहा कि मैंने कोई सपना नहीं देखा। हाँ ओके फाइन, उस बारे में मैं तेरे से बात करने नहीं आया, मैं तुझे सिर्फ ये कहने के लिए आया था कि मैं कल से बहुत परेशान हूँ। हम रीता जी का साथ ना देखे बहुत गलत कर रहे हैं करण, जब हमें जरूरत पड़ी, हमारे परिवार को जरूरत पड़ी, इस घर को जरूरत पड़ी, वो हमारे साथ खड़ी हुई। जो कुछ भी तू कह रहा है सोच रहा है, गलत सोच रहा है। करण मैं एकदम सही सोच रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। भाई लाइफ में शादी एक ही बारी होती है, तो सच्ची शादी होती है ना करण, लाइफ में एक ही बारी होती है, और तेरी हो गई है प्रीता जी के साथ। क्या शादी शादी शादी, तुम लोग क्या बोलते जा रहे हो यार? तुम लोगों को समझ में नहीं आता कि मैंने शादी नहीं की? हाँ वो मेरा गुस्सा था, जो कुछ भी किया मैंने गुस्से में किया, दैट्स इट। को दिखाना चाहता है इसलिए नहीं कि तू मायरा से प्यार करता है। यस, मैं मायरा से शादी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रीता को इस घर में नहीं आने देना चाहता, रोकना चाहता हूँ उसे झूठे रिश्ते बनाने से, इस घर में आके जादू चलाने से। जादू चला? यही सब यार, तेरे दिल में, मॉम के दिल में उसके लिए चाहिए प्यार उमड़ रहा है ना, ये जादू ही तो है, ये तेरे दिमाग का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है करण, प्लीज। और सुन मेरी बात, मुझे पता लगा कि प्रीता जी तेरी शादी में आ रही है, इसलिए मैं तेरे से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उनसे बदतमीजी मत करना, प्लीज पोलाइटली रिस्पेक्टफुली उनसे बात करना, करण वो हमारे गेस्ट है। अरे मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि वो यहाँ आ रही है, अपनी आंखों से मेरी शादी देखेगी, समझा? ब्रेव, आप जो ठान लेते हो ना प्रीता जी, वो आप करके ही रहते हो, और वही किया आपने आज। आपने ठान लिया था कि आप ऋषभ लूथरा को छुड़वाएंगे किडनैपर से, और उस किडनैपर को अरेस्ट करवाएंगे, और ऐसा आपने किया भी। किडनैपर मतलब कौन? राणा। वो कैसे? क्योंकि उसी ने पंचायती बिजनेसमैन को मार्केट से उठवाया था, और होटल में प्रीता जी आपने तो उसको अरेस्ट करवाया ना, तो वही हुआ ना असली किडनैपर। मैं तो बस ऑर्डर दे रहा था और वो मेरे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था, वो वही कर रहा था जो मैंने उसे कहा, पर मैं किडनैपर नहीं हूं, वो है किडनैपर। थैंक गॉड। पृथ्वी, वो फ्यूचर जिसमें प्रीता जी तेरी बीवी है, वो फ्यूचर जिसमें प्रीता जी तेरी होम मिनिस्टर है, प्रीता जी बस एक बार आपसे मेरी शादी हो जाए, उसके बाद मेरे दोनों हाथ भरे हुए होंगे, एक हाथ में लूथरस की दौलत और दूसरे हाथ में आपकी मोहब्बत। उसके बाद तो आप ही मुझे बताएंगे ना प्रीता जी कि लूथरस की जो दौलत मेरे पास आ जाएगी उसके साथ क्या करना है, कौन सी जगह इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सी जगह पैसा डालना है, आगे क्या क्या करना है, वो सब आप ही बताएंगे ना मुझे।
प्रीता जी, आपका ये आशिक आपसे बहुत प्यार करता है। प्रीता जी, आई स्वेयर, जब आपसे शादी हो जाएगी ना, तो आप मेरी चोरू बन जाएंगे। और मैं सोच सोच के मेरा दिमाग खराब होता जा रहा था, लेकिन उसके बाद तो मैं कंक्लूजन में पहुंची। फिर मुझे समझ में आया कि बहुत अच्छी बात है कि प्रीता यहाँ आ रही, कि करण ने उसको यहाँ पर इनवाइट किया है, क्योंकि इस समय करण प्रीता से बहुत नफरत करता है और वो उसको नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि प्रीता यहाँ आए और मेरी शादी प्रीता के सामने हो। लगता है तुम भूल गई, करण और प्रीता के बीच में बेइंतहा मोहब्बत है, पुराना याराना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और अगर है भी ना, मतलब 1% by chance ऐसा कुछ है भी, तो मैं मैनेज कर लूंगी। मुझे पता है क्या करना है। और वैसे भी प्रीता की सबसे बड़ी हार और मेरी सबसे बड़ी जीत, मैं तो नीचे मंडप पे भी नहीं जाऊंगी जब तक प्रीता यहाँ नहीं आती। तुमसे ज्यादा स्मार्ट लड़की मैंने आज तक नहीं देखी मायरा, और देखोगी भी नहीं। एक्सक्यूज मी, मुझे रेडी होना है। श्योर। आओ प्रीता, आई एम वेटिंग फॉर यू। मिस प्रीता अरोरा, यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड टू द मैरिज सेरेमनी ऑफ करण लूथरा एंड माहिरा खन्ना। तब तक मैं तुम्हें तड़पते हुए नहीं देखूंगी, मेरी शादी कैसे पूरी होगी। जानता है ना, करण से हम कोई भी बात एक ही बार बात कर सकते हैं, बार बार नहीं। इसके लिए मैंने तुझे भेजा, मैंने ये सोचा कि तू करण से बात करेगा, उसे समझाएगा। और करण, मॉम मैंने कोशिश की, समझाया मैंने उसको नहीं समझ में आ रहा है मॉम, वो सुन ही नहीं रहा है, उसका दिमाग अपने काबू में नहीं है मॉम। पता मॉम मुझे क्या लगता है, अभी इस वक्त हमें करण से प्रीता जी के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए, वो उसका दिमाग अपने काबू में नहीं है मॉम, वो कुछ नहीं सुन रहा है, किसी की नहीं सुन रहा है, हमें उससे इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए मॉम। थोड़ा वक्त निकल जाने दो, मैं अपने आप बात करूंगा, प्लीज मॉम। बारात लगे अपने घर पे आ रहे, बताओ ऐसा कोई करता है क्या प्रीता जी को नीचा दिखाने के लिए? नहीं समझ में आ रहा है मॉम, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रीता जी अगर इस घर में आएंगे शादी अटेंड करने के लिए उनको तकलीफ होगी? मॉम करण ने भी तो प्रीता जी की इंसल्ट की है ना, इतना बुरा भला कहा, इतना गलत तरीके से बिहेव किया, तो प्रीता जी क्यों नहीं कर सकती? जब करण प्रीता जी को ना पसंद कर सकता है, तो प्रीता जी करण को ना पसंद क्यों नहीं कर सकती? मैं तो कहता हूँ करना चाहिए। कभी नहीं करेगी, करण जैसा बर्ताव प्रीता के साथ कर रहा है ना, प्रीता वैसा ही बर्ताव करण के साथ कभी नहीं करेगी। वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे करण को कोई दुख पहुंचे, कुछ नहीं करेगी उसके अगेंस्ट। मेरे पोते करण की शादी है, मेरे भी तो देवर की शादी है। अब चलिए चल के डांस करते हैं। आइए आइए, हां गुड आइडिया, वो चलिए डांस करते हैं, आइए। ओ साडे घर विच होई यारो खुशियां दी लैंडिंग,
कर रहे थे, पर ऐसे कोई करता है क्या सबके सामने? ऐसे कोई डांस करता है? ऐसे कोई फाइट करता है? मुझे पता है कि आपको तकलीफ हुई है उनके बिहेवियर से, मुझे पता है कि करण सर आपको परेशान कर रहे हैं और आप कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे तुझे ऐसा लग रहा है? करण मुझे बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा है। तुझे लग रहा है कि मैं परेशान हो रही हूँ, लेकिन मैं परेशान नहीं हो रही हूँ। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। करण लूथरा इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं परेशान हूँ। मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ और तुझे भी परेशान नहीं होना चाहिए, समझी? इधर देख, हम यहाँ क्या करने आए? शादी अटेंड करने आए, राइट? फिर चल शादी की सारी रस्में अटेंड करते। क्या हुआ? दुल्हन नहीं आई अभी तक? शादी का मुहूर्त निकल रहा है। आज मेरी शादी है, शादी तो मैं सिर्फ एक लड़की के साथ करूंगा, आपकी बेटी माहिरा के साथ। तो जल्दी बुलाई, कहीं मुहूर्त ना निकल जाए।